में एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हम देखने जा रहे हैं 2021 की सीरीज में वृश्चिक राशि के ऊपर। तो वृश्चिक राशि का 2021 में कैसे संक्षिप्त फल रहेगा, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जानकारी लेते हैं कि ये वीडियो किन किन को लागू होगा। तो पहले बात करते हैं कि जिनका नाम न से है, जिनका नाम य से है, इन लोगों को ये वीडियो के हिसाब से फल मिलने वाला है। जिनकी चंद्र की राशि वृश्चिक है, शायद नाम कोई और राशि से हो गया है पर चंद्र की राशि जिनकी वृश्चिक है उनको ये लागू होगा, और जिनका वृश्चिक लग्न है उनको लागू होगा। जिनकी ये चंद्र की राशि होगी उनको ये फल ज़्यादातर मानसिक तौर पर मिलेगा, और जिनकी ये लग्न की राशि होगी उनको ये सारा फल आमतौर पर शारीरिक तौर पे ज़्यादा मिलेगा, इन द फिजिकल फॉर्म। तो चलिए आइए हम और आप देखते हैं वृश्चिक राशि का 2021 का वर्ष फल या राशि फल कैसे रहेगा। आप सभी जानते हैं कि वृश्चिक राशि होती है वो मंगल के अधीन होती है, और मंगल आप देखें तो बहुत ही ऊर्जाशील है, ये शक्ति ऊर्जा और उत्साह का कारक होता है। इसलिए प्राय आप पाएंगे कि ये राशि वाले ज़्यादा ही उत्साही होते, ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं। तो उनके लिए ये साल कैसा रहेगा, सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा जीवन है। सो स्वास्थ्य कैसे रहेगा, अब वृश्चिक राशि है, लग्न में ही केतु महाराज बैठे हुए और सामने राहु महाराज बैठे हुए, आपको क्या हो रहा है, आपके भीतर क्या चल रहा है शायद आप नहीं जान सकते, आपको इसका कुछ भी संकेत तक नहीं मिलेगा। सो क्योंकि केतु कोई चीज़ों को दर्शाता नहीं है, तो पूरे साल तक जो भी आपकी भावना संवेदना या आपके अंदर जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे वो आप शायद महसूस नहीं कर पाएंगे, बहुत ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु जिस भाव में होता है उस भाव का फल आपको कुछ फील नहीं हो पाता है, कुछ देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और सामने राहु महाराज बैठे हैं जो बार बार आपको डराएंगे, ये हो सकता है वो हो सकता है, तो ये डर से थोड़े बाहर आइए। सबसे ज़्यादा ऐसा है मेडिकेशन कीजिए, छोटे से छोटी बात को भी हल्का मत लीजिए, और अपने स्वास्थ्य के बारे में हर वक्त सतेज रहे। अगर सतेज रहेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है, वास्तव में कोई तकलीफ नहीं है, पर केतु जब बैठते हैं तो उस चीज़ों को आप देख नहीं पाते, आपकी ही ऊर्जा आपकी ही शक्ति को शायद आप नहीं पहचान पाएंगे। तो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही खबरदार रहिए। बीमारी क्या होगी हम वो बीमारी के समय पे देखेंगे, पहले आगे चलते। अब दूसरा सबसे बड़ा जीवन में जो एक महत्वपूर्ण होता है वो होता है धन या आर्थिक लाभ। सो आर्थिक तौर पे या धन के हिसाब से आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि आपके धन स्थान का मालिक जो गुरु बैठा है, गुरु है वो इस बार नीच राशि में, पर नीच भंग राज्यों और शनि के साथ बैठ के वो आध्यात्मिक योग कर रहा है। सो आपके लिए आर्थिक तौर पे काफ़ी अच्छा समय है, जिन आर्थिक व्यवहारों का आप इंतजार कर रहे हैं, जो पैसे आपको लेने हैं और नहीं आ रहे, या पैसे के बारे में जो कोई भी दिक्कत है उसमें एक काफ़ी आसान और सरलता आपको प्राप्त होगी। तो बिल्कुल ही धन के संबंध से निश्चित हो जाइए, आपको आर्थिक तौर पर इस साल पर कोई भी तकलीफ या कठिनाई नहीं होने वाली। इसी भाव से जुड़ी हुई और एक चीज़ है, वो है संबंध और परिवार। सो परिवार संबंध दोस्त मित्र ये सारे जो हमारे संबंध होते उस संबंध के लिए भी गुरु होता है जो आपके लिए अच्छा है। सो आपके पुराने जो संबंध है, जिन जिन लोगों के साथ आपने अच्छा व्यवहार किया है उन सभी से कुछ ना कुछ आपको सुख प्राप्त होगा। आपके परिवार के साथ एक अच्छा मेलजोल वाला वातावरण बनेगा, और आप जिन जिन के साथ कोई अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं, या चल रहे जिनके साथ आप परिवारजनों के साथ, उनके साथ भी संबंध में और व्यवहार में अच्छा फल प्राप्त करेंगे। तो बिल्कुल ही अपने संबंध में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करें और उसमें से अच्छा रिटर्न आप पाएंगे। सो आर्थिक और सामाजिक या कौटुंबिक व्यवस्था में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपके तीसरे भाव में जो होता है साहस पराक्रम और मुसाफरी का, जिसमें गुरु और शनि महाराज की युति हुई है, तो इस साल घर के बाहर निकली यात्रा करें, मुसाफरी करें,
छोटी तो छोटी ही सही, पर जरूर ट्रैवलिंग करें, इससे आपको बड़ा फायदा होगा। सो अपने नए कार्य के लिए, अपने कोई भी साहस करने के लिए आप घर से बाहर निकले, यात्रा करें, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग करें, वो आपके लिए लाभदायक है। सो ये आपके फायदा देगा। अब बात करते हैं संपत्ति की। संपत्ति का जो मालिक है वो भी आपका गुरु महाराज है, शनि महाराज है, और शनि महाराज अपने घर पे ही बैठे हुए हैं। और गुरु 6 अप्रैल से लेकर 22 सितंबर के बीच में गुरु महाराज इसी घर पे आ रहे हैं। सो जो घर आप लेना चाहते, या जो पुराना जो कोई घर है उसको अगर आप रिनोवेट करना चाहते, पुरानी यूज हुई प्रॉपर्टी, सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी घर खरीदना चाहते या अपने घर को रिनोवेट करना चाहते, उसमें कुछ नई व्यवस्था बनाना चाहते, तो ये जो 6 महीने का आपको समय मिलेगा, 6 अप्रैल से लेके 22 सितंबर के बीच में, ये सारा काम आप कर सकते हैं। पुराना बेचना है तो भी अच्छा है और लेना है तो भी अच्छा है, पर मैं सलाह दूंगा कि नया घर या नई प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो नींव से रुकान करते, वो मत करें। आप अपने जन्म के ग्रह को जरूर देख लें, उसके अनुसार चलें, पर हो सकता है तो नई प्रॉपर्टी ना लें, वो आपके लिए उचित नहीं होगी। वैसे ही अगर कार लेनी है या ज्वेलरी लेनी है, कोई भी चीज़ जो थोड़ी बहुत पुरानी हो, थोड़ी बहुत जो यूज़ है, उनसे आपको लाभ है, जिसको हम ज़्यादातर सेकेंड हैंड कहते हैं, वो आपके लिए अच्छा है, उससे आपको फायदा है। बात करते हैं विद्याभ्यास की, तो बहुत ही अच्छा समय है ये, जो 6 महीने का समय आपको है, अप्रैल से लेकर सितंबर, आपकी जो भी अभ्यास चल रहा है, जो भी आपकी डिग्री आप पढ़ रहे हैं, चाहे 10वीं कक्षा में है या 12वीं कक्षा में है, या कोई डिग्री या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें एक अच्छा फल आपको मिल सकता है। तो अपना पुराना अभ्यास खत्म करें या अभ्यास में रुचि बढ़ाएं, और अभ्यास से आप अच्छा फल पाएंगे। और अगर आप उच्च अभ्यास के लिए भी कोई विचार कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही निर्णय लेने का समय है, और इससे आपको जरूर अवश्य फायदा होगा। सो अभ्यास हो, चाहे उच्च अभ्यास हो, रिसर्च हो, पीएचडी हो, उसके लिए आप बिल्कुल ही तैयार रहे, आपको बिल्कुल ही फायदा होने वाला है। फिर बात करते हैं बच्चों के लिए। ये पूर्ण वर्ष अगर आप बच्चे की कामना करते हैं, अगर आपको बच्चे की प्लानिंग करनी है, बच्चा नहीं है, तो ये पूरे साल में आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे गुरु मकर राशि में रहे या कुंभ राशि में रहे, आप बिल्कुल इसका फायदा ले सकते हैं। और प्लानिंग कीजिए 2021 में, अगर आप बच्चा चाहते हैं तो बिल्कुल ही आपको बच्चा प्राप्त हो सकता है। इसके लिए कुंडली के ग्रह भी देख लीजिए, और अभी का समय तो आपको साथ दे ही रहा है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। बच्चों के बारे में जो आपके प्रश्न हैं, कि उनकी शादी होगी कि नहीं, वो अपने करियर में सेट हो पाएंगे कि नहीं, वो अपना अभ्यास कर पाएंगे कि, जो कुछ भी बच्चों से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा फल मिलने वाला है। तो उसके बारे में भी आप निर्णय लें, और उनको भी इसका अच्छा लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल ही आप बच्चों से निश्चित रहिए, कोई परेशानी नहीं है। बात करते हैं रोग के लिए। जैसे मैंने पहले ही स्वास्थ्य के लिए कहा था कि केतु महाराज बैठे हैं और राहु महाराज उनको देख रहे हैं, आपके लग्न भाव को, तो इस समय पे बीमारी से सतेज रहे, खास करके जो हड्डियों की तकलीफ है, अगर आपको हड्डियों की तकलीफ है, जॉइंट्स की तकलीफ है, या खून से जुड़ी हुई कोई बीमारी है, तो जरूर इस समय पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपके शरीर में गर्मी है, अगर आपको पित्त का प्रकोप है, तो भी आपको इस समय पे ध्यान रखना है, और उसका प्रकोप ना बढ़े, उससे परेशान ज़्यादा ना आए, उसके बारे में आपको सोचना है। तो स्वास्थ्य के बारे में भी बिल्कुल चिंतित रहे, और साथ साथ में रोग के बारे में, ये सारी चीज़ों से आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं जॉब, नौकरी की। तो अगर आप नौकरी में कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ पद चाहते हैं, कुछ ग्रोथ चाहते हैं, तो अच्छा समय है, आप इसका बिल्कुल ही फायदा ले सकते हैं। थोड़ा भय रहेगा, थोड़ी चिंता रहेगी, पर आप अच्छे से स्थिर हो पाएंगे। चाहे आप नया जॉब लेना चाहते हैं या इसी जॉब में कुछ नया पद लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही सही समय है। आप जॉब के बारे में जो कुछ भी, नौकरी के बारे में जो कुछ भी निर्णय लेंगे, या नए नौकर चाकर रखने का भी अगर कोई बात है, तो उसके लिए भी आपको ये उचित समय है। वही बात करेंगे अगर हम व्यापार और व्यवसाय की, जो हम दशम भाव से देखते हैं, तो वो व्यापार और व्यवसाय में भी अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते, तो आपको वही गुरु का समय लाभ देगा, जो 6 अप्रैल से 22 सितंबर तक का है। उस दौरान कुछ नया व्यापार करना है,
व्यवसाय करना है, कार्य में ही कुछ वृद्धि करनी, कुछ नया काम लाना है तो आपके लिए उचित समय है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। पर मकर के गुरु में ना करें, पैसे का व्यवस्था नहीं होगा। तो बेहतर है कि इसको आप जब कुंभ में गुरु रहे उस समय दरमियान कुछ नया व्यापार व्यवसाय या नौकरी में भी बढ़ोतरी या बदली चाहते तो उस समय पे कर लीजिए। बात करते हैं अभी फॉरेन ट्रैवलिंग की। यदि आप फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं तो रुक जाइए, ये साल विदेश भ्रमण का नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये यात्रा मुसाफरी कर सकते तो आपके बाउंड्री के अंदर, आपके राष्ट्र के अंदर। अगर कोई नए काम काज के लिए या तो आपको एजुकेशन के लिए करना है, अभ्यास के लिए करना है तो करिए, पर लंबा जाना है, अगर विदेश जाना है तो थोड़ी कठिनाई होगी। अगर आप कुंभ के गुरु में ले पाए तो स्थानांतर या विदेश गमन कर सकते, तो वो भी लंबे अरसे के लिए ना करें। वही चीज जो वहाँ पे रह रहे और अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते, चाहे पीआर लेके या सिटीजनशिप लेके, उनको भी थोड़े वक्त के लिए रुक जाना चाहिए। और ये समय में 6 अप्रैल से लेके 22 सितंबर के बीच में जब गुरु के कुंभ राशि में है, अतिचारी है, वक्री है, उस समय पे उसका फल थोड़ा बहुत आपको मिल सकता है। पैसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है, विदेश गमन से ज़्यादा कोई फायदा नहीं है। बात करते हैं आपके सामाजिक कार्य के लिए, आपके मित्र वर्ग के लिए और सोशल लाइफ के लिए। यही सोशल लाइफ, सामाजिक कार्य, इनमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आने वाले। आप जो उम्मीद या अपेक्षा लेके उनके पास जाएंगे उतना वो सफल नहीं होगा। हाँ, मित्र को आप लाभ जरूर करवा सकते हैं, मित्रों का सपोर्ट भी ले सकते हैं, पर सामाजिक और सोशल में जितना दूरी बनाए रखेंगे, जितना विभाग बना के रखेंगे अपने आप को और उसको, थोड़ा बहुत अंतर पे रखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। ज़्यादा क्लोज में जाने की जरूरत नहीं है, उससे कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। सो मित्र से, सामाजिक क्षेत्र से या सोशल वर्क से थोड़ी बहुत दूरी बनाए रखें, इसमें कोई ज़्यादा आपको फायदा नहीं है। बात करते हैं खर्च की। जी, अचानक कोई बड़े खर्च हो सकते हैं तो अपनी आय को भी गिनती में रखिए और आपके खर्च को, व्यय को, उसको भी गिनती में रखिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए अचानक से कोई बड़ा खर्च ला सकती है। तो बड़ा खर्च ना हो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको सारी चीज़ों में गिनती करके रखनी है। अगर गिनती करके रखेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर आपके लिए अच्छा फायदा होगा। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहाँ पे भी बहुत कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। आप जो रुकान कर रहे हैं उसको चालू रखें, कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना है तो नहीं, थोड़ा रुक जाइए। इन्वेस्टमेंट जो रेगुलर कर रहे हैं वो ठीक है, या तो पुराना कुछ करके बैठे हैं उसको अभी निकालना है और उसको बदल के कहीं और आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सही है। ऐसे कोई परिवर्तन करना चाहते तो ठीक है, बाकी कुछ नया रुकान, नया इन्वेस्टमेंट इस साल बहुत ज़्यादा लाभ नहीं देगा। सो बेफजूल का इन्वेस्टमेंट ना करते हुए थोड़ा रुक रुक के करें। बात करते हैं ऑफिस या कार्य क्षेत्र की। तो अगर आप ऑफिस या कार्य क्षेत्र में कोई जगह लेना चाहते हैं, जगह देखी हुई है, तो उसके बारे में जरूर प्रयास करें, उससे आपको लाभ है। और वही 6 अप्रैल से 22 सितंबर के बीच के समय में आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है, व्यापार लक्ष्य कोई जगह खरीदनी है तो आपके लिए समय है, बिल्कुल ही आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं लिटिगेशन के लिए। जी, लिटिगेशन के लिए बिल्कुल ही अच्छा समय नहीं है। हो सके तो लिटिगेशन से दूर रहे, वाद विवादों से अलग रहे। षड्यंत्र हो रहे, कॉन्स्पिरेसी हो रही है, पता भी है तो चुप रहे। इन सभी से आपको कुछ ना कुछ हानि हो सकती है, नाम खराब हो सकता है, या इससे आपको एक तनाव सा पैदा हो सकता है। हो सके तो किसी के साथ वाद विवाद में ना आए, हो सकता है तो कोई लिटिगेशन या कोर्ट कचहरी में अगर नया कुछ करना है तो रुके, या इसमें शांतिपूर्वक अगर हल हो सकता है तो वो निकालने की कोशिश करें। बाकी सीधे ही कायदे से आपको लाभ नहीं है, बिल्कुल ही इसमें जाइए नहीं, ये आपको लाभ नहीं देगा। बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस की। तो ज़रूर आप धार्मिक स्थानों पे जा सकते हैं, यात्रा मुसाफरी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला अंतर्देशीय कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आप प्रवास नहीं कर सकते। तो चाहे मंदिरों में जाना है या पूजा घरों में जाना है या वर्शिप करना है, योगा करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, ये सब के लिए अच्छा है। भीतर जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, या आसपास जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा लंबा नहीं जाना है। इसलिए मैंने आपको विदेश प्रवास के लिए भी कह दिया कि
कि विदेश प्रवास की कोई ज्यादा उम्मीदें ना रखे, इससे कोई फायदा नहीं है, पर आपकी आध्यात्मिकता के लिए और स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई तकलीफ नहीं। आप उसको बराबर से चलाएंगे और अपने आप को और ज्यादा करीब पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे, योग कर पाएंगे, मेडिटेशन कर पाएंगे, तो बिल्कुल आपको आध्यात्मिक और धार्मिकता में कोई तकलीफ नहीं है। नाम प्रतिष्ठा, नाम प्रतिष्ठा और अगर हुद्दे की बात करें तो अच्छा समय, आप किए हुए कार्य का अच्छा सा नाम पा सकते हैं और एक अच्छा पद भी ले सकते हैं, तो उस बारे में आप पॉजिटिव रहें। जो कार्य की है उसको वापस से दोहराइए और इससे आपको काफ़ी अच्छा फायदा होगा। थोड़ा सोशलाइज करें और लोगों से जुड़े, वो आपके लिए एक अच्छा समय है। आखिर में बात करेंगे कुछ उपाय की, कि पूरे साल में उपाय क्या करें। तो आपके लिए सबसे सरल और अच्छा उपाय है विजिट टू एनी वाटर बॉडी। आप कोई भी पानी के एरिया को जाइए, पानी के क्षेत्र में जाइए और वहाँ पे थोड़ा समय गुजारिए, चाहे वो नदी किनारा हो, चाहे वो दरिया हो, समंदर हो, या कोई भी वाटर का सोर्स हो, झरना है, झील है, पानी है, तालाब है, कुआं है या समंदर है, कोई भी पानी के इर्द गिर्द जितना आप रहेंगे उतना आपको शांति रहेगी। तो इस साल भर में जब कभी भी मौका मिले तो बिल्कुल ही समुद्र किनारे पे जाइए, नदी में जाइए और उसके आसपास अपनी ऊर्जाओं को फील होते देखिए। तो ये था आपके लिए वृश्चिक राशि के लिए 2021 का वर्ष और कैसे जाएगा, किस तरह से आपको आयोजन करना है, वो चीज़ें मैंने बताई। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। DM एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, देखें और दिखाएं। मार्गदर्शन या ज्योतिष कंसल्टेंशन के लिए नीचे नंबर दिए गए हैं, उसी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट देख सकते हैं www.dms-astrology.com और फेसबुक से, इंस्टाग्राम से भी DM Astrology या धर्मेश मेहता से मुझे जोड़ सकते हैं। तो ये था आपका 2021 वृश्चिक राशि का। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आभार, धन्यवाद और सभी सुखी रहे ऐसी शुभकामना करते हुए नमस्कार।